गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो आज है डे फोर और हम निकल रहे हैं गुलमर्ग को। तो लोकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम रोपवे से गुलमर्ग के टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलने वाला है स्नो। सो वी आर एक्साइटेड। आप जिस दिन खाइएगा उस दिन मैं खाऊंगा। पक्का? पक्का? वादा? वादा। मैडम चिकन बिरयानी बनाओ, यहाँ से जाएंगे बहुत। तुम भी खाएंगे? हम खाएंगे। हाँ भाई, मेरे यहाँ बुलाएंगे आपको, मेरे यहाँ बुलाएंगे आपको, खिलाएंगे, मैं खाऊंगा। हम पिछले हाफ एन आवर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये तीसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पर फ्यूल है ही नहीं, ना पेट्रोल है ना डीजल है। पता नहीं अब जो यहाँ के लोकल या ड्राइवर है इनका कहना ये है कि ये पेट्रोल बचा के रखते हैं, जब प्राइस हाइक होगा तो फिर ये पेट्रोल देते हैं या डीजल देते हैं। तो इट्स नॉट गुड। आपका आपके पास स्टॉक में है, आपके पास ऑलरेडी रिजर्व है, तो आप दो, ऐसा थोड़ी है कि आप रोक के रखोगे जब प्राइस हाइक होगा। तो इससे नॉर्मल जनरल पीपल को बहुत प्रॉब्लम होती है। गुलमर्ग के टॉप पे तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे पता करते हैं कि कहाँ कैसे घूमना है और क्या क्या चीज़ है। बैक साइड में एक फील्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें कि मूवी जो थी आपकी कसम, उसमें राजेश खन्ना और मुमताज़ की एक सॉन्ग शूट हुई थी, जय जय शिव शंकर, जो काफ़ी पॉपुलर है आज भी। और यहाँ पर सारे पार्किंग वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने व्हीकल पार्क कर रखे हैं। और अभी हम नीचे की तरफ जाने वाले फील्ड में देखते हैं, वहाँ पे बैठने का अच्छा सा एक जगह है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है वो फील्ड जिसके बारे में मैं बता रहा था, यहाँ पे अच्छे से आप बैठ सकते हो, थोड़ा सा सीन का मजा ले सकते हो। तो हम सब ने घोड़ा कर लिया और गुलमर्ग की सैर पे निकले हैं। ये देखो सभी एक लाइन से घोड़े का काफिला चल रहा है। और यहाँ से व्यू देखो, क्या मैं व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो कुछ ऐसा सा व्यू है गुलमर्ग का जब नीचे वाले फील्ड पे रहोगे तो। और अभी हम जा रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे जहाँ से गंडोला या फिर रोप वे जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। होपफुली हमें रोप वे का टिकट मिल जाए, क्योंकि यहाँ ये पता चला कि रोप वे का जो टिकट है वो ऑनलाइन मिलता है और ऑफलाइन मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब चल के वहाँ देखते हैं कि क्या इश्यू है क्या नहीं। वैसे व्यू तो बहुत ही ख़तरनाक है। और अभी तक आप जितने भी व्यू देख रहे होगे कैमरा में, आप समझो कि सिर्फ 10% ही कैप्चर हुआ है, बाकी 90% आई कांट एक्सप्लेन, और कैसे बताऊँ वो भी नहीं पता, वो आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पापा घोड़े पे बैठ के वादियों के मजे ले रहे हैं, देखो मम्मी पीछे। वो तुमको तो जानता है सब। वो अपने पहले चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक्चुअली जो गंडोला है रोपवे है जो ऊपर जाने वाली है, उसके लिए हम टिकट
तो देख लेते हैं मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर मिल जाता है तो बल्ले बल्ले ऊपर घूम के आएंगे। तो बात ऐसी हुई कि हमें रोपवे का टिकट मिला नहीं, क्योंकि उसमें 10 डेज का वेटिंग था। तो हमने क्या किया कि हमने प्लान किया, चलो जब घोड़ा हायर कर ही लिया था तो घोड़े पे ही चलते हैं, जो भी ये 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग है इस पे ही कर लेते हैं। बैड लक, अगर ऊपर जाते तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन कोई ना, नेक्स्ट बार देख लेंगे। ये जो दिख रहा है ना खड़ा था इधर में, ये होगा स्नो बाइक, स्नो ड्यू जो विंटर में ऊपर चलता है फर्स्ट फेज, ये वाला अभी पे ये पॉलिश नहीं लगाया हुआ है। भाई मेरा घोड़े खाने में बिजी है, इसका फेवरेट खाना मिल गया इसको, मुझे पता चलेगा दोनों लड़के का। उधर ले जाओ, हां खाना खाओ, ये वाला जो एरिया है पूरा आर्मी कैंप है, इस तरफ जो पहाड़ का एरिया है, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग वगैरह घूम रहे हैं। और ये जो आप घर देख रहे हो, ये सामने वाला, ये एक्चुअली स्की, अगर स्नो स्की करना है आपको तो उसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद ही आपको ऊपर गुलमर्ग के जो टॉप है वहां ले जाते हैं, और वहां से फिर लोग विंटर के समय स्की करके नीचे आते हैं। रंग पे तू इतना गुमान कर, ऐसा ना कर। अच्छा अच्छा काट दो काट दो, रंग पे ना इतना गुमान। अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ गोरे, हाँ गोरे रंग पे तू इतना ना, ऐसा लगा बड़ा ज्यादा। अच्छा कुछ गोरे रंग पे ना इतना गुमान, अच्छा ये गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, दिन में एक ढल जाएगा। गोरे रंग पे, गोरे रंग पे तू इतना ना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। मैं समा हूँ तू है परवाना, वाह वाह वाह, जिसे पहले तू जल जाएगा। आ गया। Through the fields of our paths, feelings got always keeping us close. Strange now, dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. सो ये है वो फेमस शिव जी का मंदिर, जो राजेश खन्ना की एक मूवी थी या सॉन्ग था, जो आप बोलो जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, वो यहीं पे फिल्म हुआ था। आप इन वादियों को भी देखो, यही वो फील्ड वगैरह था जहाँ पे उस, अगर आप सॉन्ग अभी देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत रिसेम्बल करेगा। पहुँच चुके हैं वर्ल्ड फेमस लाल चौक पे, जो श्रीनगर का फेमस लाल चौक है वो ये रहा सामने। ऐसे ही है सर, अंदर से कहीं से भी चलो, अब ये वर्ल्ड फेमस क्यों ये आप गूगल कर लेना, बहुत सारे हिस्ट्री जुड़े हुए हैं यहाँ से, आपको पता चल जाएगा इसका हिस्ट्री। सो दैट्स इट, तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मिलकर देखें।